हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज का जो टॉपिक है आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल चुका है, आज मैं कंपेयर करूंगा एलईडी ट्यूब और फ्लोरेसेंट ट्यूब या फिर फ्लोरेसेंट बल्ब के बारे में। फ्लोरेसेंट बल्ब क्यों बोल रहा हूँ, आगे चल के आप लोग को वीडियो पे बताऊंगा क्या पॉजिटिव चीज़ है वो भी बताऊंगा, क्या नेगेटिव चीज़ है वो भी बताऊंगा, और आप लोग के एक्वेरियम के लिए कौन सा वाला लाइट बेस्ट एक्वेरियम लाइट हो सकता है वो भी मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। क्योंकि एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, हर एक मछली के लिए आप लोग के एक्वेरियम पे डिफरेंट लाइट होना चाहिए। आप लोग के पास अगर गोल्ड फिश है उसके लिए अलग लाइट होना चाहिए, आप लोग के प्लस फ्लॉरन फिश है तो उसके लिए अलग लाइट होना चाहिए, गफ्फी मॉली ट्रेटरा सिकलिट सभी मछली के लिए अलग अलग लाइट होना चाहिए। कौन सा लाइट कौन से टैंक के लिए जरूरी है वो मैं आप लोग को आज इस वीडियो पे डिटेल में बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं थोड़ा बहुत कंपेयर भी करूंगा। मेरे पास अभी यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ये एलईडी ट्यूब नहीं है, फ्लोरेसेंट ट्यूब है। आगे चल के आप लोग को वीडियो पे दिखाऊंगा एलईडी ट्यूब और फ्लोरेसेंट ट्यूब का डिफरेंस क्या है और कौन सा वाला अच्छा है, कौन सा वाला का पॉजिटिव चीज है, कौन सा नेगेटिव चीज है वो भी मैं डिटेल में इस वीडियो पे बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहो और आप लोग के लिए कौन सा वाला बेस्ट एक्वेरियम लाइट हो सकता है उसके बाद आप लोग का कन्फ्यूजन क्लियर आउट हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल जरूर क्लिक करना, और अगर आप लोग को वीडियो पे कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो चीज़ दिखा रहा हूँ इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब। ये नॉर्मली एक्वेरियम शॉप पर आप लोग को ईजिली मिल जाएगा। ये फ्लोरेसेंट ट्यूब और बल्ब भी मैं पर्सनली बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ वो मैं अभी बता रहा हूँ आप लोग को। नॉर्मल जैसे हम लोग ट्यूब यूज़ करते हैं हम लोग के घर पे, फिलिप्स का जो पुराना वाला ट्यूब होता है, सेम ट्यूब का सिस्टम ही यहाँ पर है, बट ये ट्यूब ग्लास के अंदर रहता है। नॉर्मल जो हम लोग ट्यूब रहता है हम लोग के घर पे वो ग्लास के अंदर नहीं रहता है, यहाँ पर ग्लास प्रोटेक्शन के अंदर ट्यूब रहता है। बेसिकली इसका तीन कलर होता है, एक होता है वाइट, देन ब्लू, देन पिंक। तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप लोग के पास गोल्ड फिश वगैरह है तो आप लोग पिंक कलर का यूज़ करना, उसमें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है गोल्ड फिश टैंक पे। बट गोल्ड फिश छोड़कर और किसी टैंक पे पिंक कलर यूज़ मत करना, क्योंकि फ्लावरन बोलो या फिर सिकलिट मछली बोलो तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है मछली। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोग को बोल रहा हूँ। हालाँकि आप लोग तीनों कलर ही यूज़ कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ पिंक कलर। आप लोग व्हाइट या ब्लू आप लोग के फ्लावरन या सिकलिट टैंक पर यूज़ कर सकते हो। तो ये तो था फ्लोरेसेंट ट्यूब। अभी मैं आप लोग को कंपेयर करके बताऊँगा फ्लोरेसेंट ट्यूब और एलईडी ट्यूब में सबसे मेजर डिफरेंस क्या है और कौन सा वाला आप लोग के टैंक के लिए बेस्ट हो सकता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास अभी दो ट्यूब है। एक एलईडी ट्यूब है जो मेरा 2 फीट के टैंक के अंदर मेरा चल रहा था, अभी मैं वीडियो बनाने के लिए उसको खोल के लेके आया हूँ कंपेयर करने के लिए, और एक है फ्लोरेसेंट ट्यूब। तो दोनों का साइज में थोड़ा डिफरेंस है, बट ओवरऑल जो क्वालिटी होता है अगर आप लोग छोटा भी लोगे क्वालिटी सेम ही रहता है, साइज के साथ क्वालिटी मैटर नहीं करता है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आप लोग जब पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ दोनों समझ लेना। क्योंकि कुछ भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप लोग पैसा इन्वेस्ट करोगे एटलीस्ट 1-2 साल चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग पैसा इन्वेस्ट करोगे उसके बाद अगर आप लोग का प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो आप लोग को भी खराब लगेगा कि भाई मैं पैसा इन्वेस्ट किया हूँ उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो सबसे पॉजिटिव जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी मैं बता दूंगा, जो नेगेटिव चीज़ है वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्लोरेसेंट ट्यूब जल रहा है एकदम फुल वाइट कलर का, आप लोग देख सकते हो, और एक साथ पूरा ट्यूब जल रहा है, और यहाँ पर आप लोग का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा लाइट चेंज का। बट जहाँ पर मैं अभी एलईडी लगाऊंगा तो एलईडी का आप लोग देख सकते हो ये भी फुल ट्यूब जल रहा है, बट इसमें लाइट चेंज होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंस आप लोग को ये बोलना चाहता हूँ, दोनों पर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब का फिक्स्ड कलर होता है बट एलईडी ट्यूब का कलर आप लोग चेंज कर सकते हो आप लोग के हिसाब से। तो सबसे मेजर डिफरेंस है। सेकेंड जो चीज़ होता है, अगर आप लोग के घर पे आप लोग फ्लोरेसेंट ट्यूब लगाते हो गर्मी के टाइम पे ज़्यादा पानी गर्म हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरेसेंट ट्यूब ज़्यादा गर्म होता है, एलईडी ट्यूब कम गर्म होता है। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस था। उसके बाद जो चीज़ मुझे पर्सनली लगता है कि ये आप लोग को जानना चाहिए, अगर आप लोग फ्लोरेसेंट ट्यूब लगाओगे तो आप लोग का जो मेन डिसएडवांटेज होता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब देखने में तो अच्छा लगता है बट अगर खराब होता है तो इंस्टेंट पूरा ट्यूब खराब हो जाएगा। क्योंकि फ्लोरेसेंट ट्यूब हम लोग जैसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले बल्ब बोल दिया था, यहाँ पर लिखा तो है जार्म किलिंग लैम्प वगैरह, जार्म वगैरह कुछ किल तो होता नहीं है, बट ये अगर खराब होता है तो डायरेक्ट पूरा ट्यूब कट हो जाता है। बट एलईडी में जो एलईडी लाइट रहता है अंदर में, एक एक कट होके उसके बाद खराब होता है, एट अ टाइम पूरा ट्यूब खराब नहीं होता है। अगर एक्सीडेंटली टूट जाता है वो अलग चीज़ है, बट खराब होने का चांसेस एलईडी ट्यूब ज्यादा नहीं होता है, जहां पर फ्लोरेसेंट बल्ब पे जल्दी खराब होने का चांसेस रहता है या फिर फ्लोरेसेंट ट्यूब पे।
ये जो चीज़ कोई भी नहीं आप लोग को बताएगा जो मैं अभी आप लोग को मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है वो फ्लोरेसेंट ट्यूब में जो जार्म किलिंग वगैरह लिखा तो रहता है बट उसमें घंटा कुछ होता है, कुछ जार्म वगैरह किल नहीं होता है। ये सोच के अगर आप लोग खरीदने जाओगे कि जार्म किल हो जाएगा फ्लोरेसेंट ट्यूब लगाने से, कुछ भी नहीं होगा भाई। उससे बेटर है, मैं आप लोग को पर्सनली रिकमेंड करूँगा, आप लोग एलईडी ट्यूब खरीदो। उससे आप लोग का पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्च होगा बट ट्यूब ज़्यादा दिन तक चलेगा, क्योंकि उसमें अगर कट भी होता है, एक एक एलईडी कट होता है, एक ही साथ पूरा ट्यूब खराब नहीं होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आप लोग को बोल रहा हूँ। और एक डिफरेंस मैं बताना चाहता हूँ, एलईडी ट्यूब और फ्लोरेसेंट बल्ब का जो ग्लास होता है, वो फ्लोरेसेंट बल्ब का ग्लास जो होता है ज़्यादा नाजुक होता है, टूट जल्दी जाता है, बट एलईडी ट्यूब का जो ग्लास होता है ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। तो जो जो पॉजिटिव चीज़ था वो मैं बता दिया हूँ, जो जो नेगेटिव चीज़ था वो भी मैं बता दिया हूँ। तो आप लोग को अभी अगर कुछ भी डाउट है नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, टाटा।